हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चेंज कर रहे हो, अच्छा डिसीजन है, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चेंज कर रहे हैं आप? अमेठी में शिफ्ट हो रहे हैं ना? मैं भी अमेठी जा रही हूँ। बुजुर्ग ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल, बुजुर्ग के उत्साह से स्मृति को मिली प्रेरणा। स्मृति ईरानी से 93 साल के बुजुर्ग ने पूछा सवाल, स्मृति आप अमेठी क्यों चली गईं? अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी सांसद हैं। अमेठी के रण में उन्होंने उन्हें मात दी है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चकनाचूर कर दिया जो कांग्रेस के ताकतवर नेताओं की जमात में शामिल है। सबसे ताकतवर गांधी परिवार के वारिस हैं, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली, जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव और सोनिया की अगली पीढ़ी है। उसी अगली पीढ़ी में शामिल राहुल को अपनी जिद के तले अमेठी की जनता के दिलों से निकालकर खुद की पैठ बनाने वाली बीजेपी की बेबाक स्मृति ईरानी की जुबां मुंबई के लोखंडवाला में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। 93 साल के बुजुर्ग ने स्मृति ईरानी से एक ऐसा सवाल पूछा कि वो जवाब नहीं दे सकी, बस मुस्कुराते रह गई। बुजुर्ग स्मृति की आंखों में आंखें डालकर, लड़खड़ाते पैरों पर खड़े होकर, लोकतंत्र के महापर्व का गवाह बनकर, अनुभव के संस्कारों में डूबकर बस यही सवाल कर बैठे, स्मृति से पूछा आप अमेठी क्यों चली गई? अच्छा डिसीजन है, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चेंज कर रही है आप? अमेठी में शिफ्ट हो रहे हैं ना? मैं भी अमेठी जा रही हूँ, लेकिन वोटिंग के लिए भी आप लास्ट 20 साल हम लोग आपके हमेशा मिलते हैं। ये सवाल 93 साल के बुजुर्ग ने किया, वाजिब सा सवाल है, लेकिन इस सीधे सरल लेकिन उलझे हुए सवाल को सुनकर भी स्मृति सिर्फ मुस्कुराती रही, वो प्रेरणा से ओतप्रोत हो गई। 20 साल से मैंने जीवन में जो भी पाया, मेरा नाम, मेरी शोहरत और कार्य क्षमता, तो ये कर्म भूमि है और यहाँ पर बड़े आकर इस प्रकार से आशीर्वाद दें तो ये जीवन की सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। और शायद यही रिश्ते हैं जिसके लिए मुंबई विख्यात है, इसीलिए मुंबई के बारे में कहते हैं कि निरंतर चलने वाला शहर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भले लोग कहें कि हम अजनबी हैं, फिर भी एक गली एक मोहल्ले में रहने की वजह से हम सब एक हैं। आज लोकतंत्र के उत्सव में सब बाहर आए, सब अपने अपने लोकतंत्र के माध्यम से अपने अपने अधिकारों का, अपनी जिम्मेदारियों का की पूर्ति कर रहे हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है आज की अगर कोई हीरो हैं तो खन्ना जी हैं। आर्मी में इन्होंने सेवा दी, 93 इयर्स ओल्ड, वोट देता है तुसी? खन्ना जी 93, ही सर्वड इन द इंडियन आर्मी एंड आई थिंक दैट दिस इज आवर प्राइड एंड जॉय, द फैक्ट दैट एट 93 ही कम्स आउट एंड ही गिव्स हिज वोट, इट्स एन इंस्पिरेशन, स्पेशली उन लोगों को जो अभी भी घर में बैठे हैं। मेरा आग्रह है कि अगर 93 की उम्र में खन्ना साहब 12 के वोट दे सकते हैं तो आपको कौन रोकता है? मैं चल रही हूँ, जाऊँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मुंबई में लोखंडवाला में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर 93 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्हें देखकर स्मृति ईरानी ने उनसे बात की। बहरहाल स्मृति ने कहा कि जब 93 साल का बुजुर्ग वोट डालने के लिए आ सकता है तो सबको वोट डालना चाहिए। चेंज कर रहे हो, अच्छा डिसीजन है, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चेंज कर रहे हो आप? अमेठी में शिफ्ट हो रहे हैं ना? मैं भी अमेठी जा रही हूँ।